नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। एक केजीबी खुफिया जासूस से रूस के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले व्लादिमीर पुतिन की कई ऐसी बातें हैं जो उन्हें दुनिया के किसी भी राष्ट्र प्रमुख से बहुत ही अलग साबित करती हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार हैं। पिछले 22 साल से पुतिन रूस की सत्ता में काबिज हैं। आज भले ही रूस का दुनिया में वह कद ना रहा हो, लेकिन कभी सोवियत संघ का था। कई चुनौतियों के बाद भी पुतिन ने रूस के रुतबे की अहमियत को भी कम नहीं होने दिया। एक डॉक्यूमेंट्री में पुतिन ने ऐसे ही संघर्ष का जिक्र किया है। समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती के एक डॉक्यूमेंट्री में व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए कभी कभी उन्होंने टैक्सी तक चलाई थी ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। RIA नोवोस्ती की डॉक्यूमेंट्री में पुतिन ने कहा है, कभी कभी मुझे अतिरिक्त पैसा कमाना पड़ता था। मेरा मतलब है कि मैंने एक निजी कार ड्राइवर के रूप में अतिरिक्त पैसा कमाया। ऐसी बातें करना अप्रिय है, लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसा ही था। एक केजीबी खुफिया जासूस से रूस के राष्ट्रपति तक पहुंचे पुतिन की कई ऐसी बातें हैं जो उन्हें दुनिया के किसी भी राष्ट्र प्रमुख से बहुत अलग बनाती हैं। व्लादिमीर पुतिन ने 3 दशक पहले हुए सोवियत संघ के विघटन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वह अधिकांश नागरिकों के लिए एक त्रासदी बनी हुई है। सोवियत संघ का अंत अपने साथ गंभीर आर्थिक अस्थिरता का दौर लेकर आया, जिससे लाखों लोगों को गरीबी में डुबो दिया, क्योंकि नए स्वतंत्र रूस साम्यवाद से पूंजीवादी की ओर विकसित हुआ था। व्लादिमीर पुतिन सोवियत संघ के एक वफादार सेवक थे। इसके विघटन के बाद वह निराश हो गए थे। एक बार उन्होंने सोवियत संघ के पतन को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक आपदा करार दिया था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बचपना एक शेयर्ड अपार्टमेंट में बीता। यह जगह सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद है। पुतिन को बचपन से ही जूटो का शौक था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ब्लैक बेल्ट की उपाधि हासिल कर ली थी। पुतिन आज भी जूडो की प्रैक्टिस करते हैं। आपको बता दें कि सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 में हुआ था। इस घोषणा में सोवियत संघ के भूतपूर्व गणतंत्रों को स्वतंत्र मान लिया गया था। विघटन के पहले मिखाइल गोर्वाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। विघटन की घोषणा के एक दिन पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 15 गणतांत्रिक गुटों का समूह सोवियत संघ रातों रात टूट गया था, और ये इतनी बड़ी टूट थी कि आज 25 सालों के बाद भी इसके झटके महसूस किए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।